मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम ने तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस बार के बजट में PLI स्कीम के लिए 2,00,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे अनुमान है कि अगले 5 सालों में उत्पादन में $520 अरब का इजाफा होगा। यही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के बूते देश को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में केवल PLI स्कीम पर ही सरकार की नज़र नहीं है। इसके साथ ही अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मेक इन इंडिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। भारत अब चीन से निर्भरता खत्म करने के लिए पहली बार कार्गो कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करने जा रहा है। टेस्ला ने भारत में एंट्री के साथ ही ऐलान किया कि भारत में बनने वाले वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग चीन के मुकाबले सस्ती होगी। एयरबस को भी भारत में विमानों की मैन्युफैक्चरिंग करने का न्योता दिया गया है। एप्पल भारत में आईपैड बनाने के लिए इंसेंटिव की डिमांड कर रहा है। हालांकि इन दिग्गज कंपनियों के आने और कई क्षेत्रों में भारत के आत्मनिर्भर बनने के बावजूद देश के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मुश्किलें दूर नहीं हो पा रही हैं। MSME के पेटेंट में देरी को लेकर राज्यों के निपटारा व्यवस्था में आने वाले एप्लीकेशन पिछले 12 महीनों में 88% बढ़े हैं। 4 मार्च 2020 को सरकार के पास कुल 9,901.31 करोड़ रुपए के पेमेंट में देरी को लेकर MSME की तरफ से 37,465 एप्लीकेशन आए थे। एक साल में MSME के बकाया भुगतान के लिए सरकार के पास एप्लीकेशन की संख्या बढ़कर 70,451 हो गई है, जिसमें 19,557.91 करोड़ रुपए फंसे थे। जानकारों का ये भी मानना है कि MSME की समस्याओं का समाधान किए बगैर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होना मुश्किल है। MSME को इंडिया के अंदर बहुत सारी दिक्कत हैं। पहली दिक्कत मैं ये बयान करूंगा कि MSME का जो सर्कुलेशन है हमेशा टाइट रहता है। रीजन वाइज एक तरफ सप्लायर होते हैं, एक तरफ बड़े बायर होते हैं। सप्लायर से उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल नहीं पाता, या तो उनको कैश में रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। जो बायर होते हैं हमेशा उनको स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि MSME के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसको बड़े बायर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और आज के कंपटीशन के समय के अंदर MSME को सभी लोग स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं, खासकर बड़े बायर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल मई में सरकारी निकायों से MSME के बकाया भुगतान के 45 दिन के भीतर करने को कहा था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जुलाई में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर बायर्स से कहा था कि MSME का बकाया तय समय तक अदा नहीं करने पर उनको हर महीने 1% के हिसाब से ब्याज देना होगा। लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार राज्यों पर बकाया चुकाने का दबाव नहीं बना सकती है। ऐसे में इस निर्देश के बावजूद MSME बकाया वसूली के लिए परेशान है। MSME के पास सर्कुलेशन बहुत कम होती है। MSME पेमेंट के लिए डिपेंडेंट हमेशा रहता है बैंक्स के ऊपर। बैंक्स के अलावा कहीं से भी उसको लोन नहीं मिल पाता या क्रेडिट लिमिट नहीं मिल पाती। यहाँ पर जो मेरा व्यू है, खाली बैंक से MSME आगे नहीं बढ़ सकती। इस बैंक्स के अलावा फैक्टरिंग की फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट के ऊपर MSME को पैसा दे पाएँ, उनको आगे लेके आएँ। जाहिर है कि अब तक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत नहीं होगा तब तक चीन से कंपनियों को भारत लाना आसान नहीं है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाकर ही उत्पादन और आयात बढ़ाया जा सकता है, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है।